भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे में ऋषभ पंत का बल्ला एक बार फिर निराश कर गया। वो सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया जबकि 2 चौके ही वो लगा सके। इसके साथ ही एक बार फिर वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मैच से ठीक पहले का है। बारिश की वजह से टॉस में देरी थी और हर्षा भोगले माइक थामे ऋषभ से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उनके कड़वे सवालों पर ऋषभ पंत तमतम आ गए। दरअसल सीरीज में कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत से उनकी फॉर्म को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा, मैंने वीरू से बहुत साल पहले पूछा था, अब आपसे पूछ रहा हूँ। आपको देखकर लगता है कि व्हाइट बॉल आपकी खास बात होगी, लेकिन आपका टेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। इस पर ऋषभ कहते हैं, रिकॉर्ड तो एक नंबर है, मेरा व्हाइट बॉल रिकॉर्ड भी खराब नहीं है, T20 का भी ठीक है। इस पर हर्षा कहते हैं, मैं खराब नहीं कह रहा, तुलना कर रहा हूँ। इस पर पंत कहते हैं, तुलना करना तो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, अभी तो मैं 24-25 साल का हूँ, तुलना करना है तो जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना, उससे पहले मेरे लिए कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के हीरो रहे ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। वो T20 वर्ल्ड कप में भी टीम में कुछ खास नहीं कर सके थे, जबकि उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी उनका बल्ला खामोश ही रहा। उन्होंने 6 और 11 रन बनाए जबकि उन्हें ओपनिंग में मौका मिला था। इसके बाद पहले वनडे में भी वो सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत की व्हाइट बॉल क्रिकेट करियर की अब तक की बात करें तो 30 ODI मैचेस में उन्होंने 34 की औसत से 865 रन बनाए हैं। वहीं T20I में 66 मैचों में उन्होंने 22 की औसत से 987 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं अगर IPL की बात करें तो 98 मैचेस में उन्होंने 2838 रन बनाए हैं 34 की औसत से।